अदब की जानिब से आज हम आपके लिए उर्दू के 2018 और 19 का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं, जिसमें ज़रूरी सवालात कराएंगे जो आपके इम्तिहान के लिए अहम साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज का जो पहला सवाल है उसको देख लेते हैं। देखिए, सवाल है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो इसमें देखिए, दिल्ली में है या हैदराबाद में है या अलीगढ़ में है या मुंबई में है? तो इसका जो सही जवाब है वो देखिए हैदराबाद, यानी कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। उसके बाद चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, आवारा किसकी नज़्म है? तो इसमें देखिए, जो इसका उत्तर है वो देख लेते हैं, यानी कि पहले हम ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम इसका जो सही जवाब है वो देखेंगे। तो इसमें पहला है मिजाज की, दूसरा है कमी अज़मी की, तीसरा है फिराक की और चौथा है गुलजार दहलवी की। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका देखिए मिजाज, ये आपका राइट आंसर है, यानी कि सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, ज़ोक का असली नाम क्या है? तो इसमें देखिए, पहला है शेख फरीदुद्दीन ज़ोक, दूसरा है शेख इसराइल ज़ोक, तीसरा है शेख सुलेमान ज़ोक और चौथा है शेख इब्राहिम ज़ोक। तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है शेख इब्राहिम ज़ोक, यानी कि ज़ोक का असली नाम क्या है? तो शेख इब्राहिम ज़ोक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मौलाना हाली की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसमें देख लेते हैं, पहला है कलकत्ता में, दूसरा है पटना में, तीसरा है पानीपत में या चौथा है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में। तो इसका जो सही जवाब है वो देख लेते हैं। इसका सही जवाब है पानीपत में। और पानीपत में कहाँ? तो अंसारिया मोहल्ले में, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? तो इसमें देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है आल अहमद सुरूर को, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद को, तीसरा है डॉक्टर नज़ीर अहमद को या चौथा नंबर है डॉक्टर अब्दुल हक को। तो इसमें देखिए सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन चार, यानी कि डॉक्टर अब्दुल हक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, सवाल है, इस्म मारफा की तारीफ भी कीजिए और इसकी मिसाल भी बताएं। तो जवाब देख लेते हैं। देखिए, इस्म मारफा क्या है? तो इस्म मारफा यानी कि देखिए प्रोनाउन। तो इस्म मारफा का एक दूसरा नाम इस्म खास भी है। कौन सा नाम है? तो देखिए, इस्म मारफा का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम इस्म खास भी है, यानी ऐसा इस्म जिससे किसी खास मुकाम, शख्स या किसी खास शय का नाम समझा जाए। मसलन देखिए, यानी कि एग्जाम्पल, असम, लखनऊ, बनारस, लाल किला वगैरह, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ जाने से पहले, देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखिए वीडियो को शेयर करते रहें, और ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। प्लस देखिए, आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करते रहें, और अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आती है आप लोगों को, या इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौमी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किस शायर ने लिखा है? तो इसका जवाब देख लेते हैं। कौमी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है? तो अल्लामा इकबाल ने लिखा है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद के किसी एक अफसाना का नाम लिखें। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जो एक अफसाना है उसका नाम कफन है, यानी कि जवाब है कफन। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, बुलंद ख्वानी के लिए कौन सी महारतें ज़रूरी हैं? तो आइए देख लेते हैं इसका जवाब। देखिए, जवाब है, बुलंद ख्वानी के लिए मंदरजा ज़ेल महारतें ज़रूरी हैं। तो इसमें देखिए, पहले नंबर पे देख लेते हैं, बेझिझक होना, यानी कि जब ज़ोर ज़ोर। बुलंद ख्वानी का मतलब क्या है यह मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बुलंद ख्वानी का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। तो इसमें देखिए, बुलंद ख्वानी के लिए मंदरजा ज़ेल महारतें ज़रूरी हैं, यानी कि हमें ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पहले नंबर पे है बेझिझक होना। दूसरा देखिए, दूसरा जो नंबर है वो है तलफ़ुज़ की सही अदायगी की सलाहियत। देखिए, जब आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो आपके अगर तलफ़ुज़ सही नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसलिए तलफ़ुज़ की सही अदायगी की सलाहियत होनी चाहिए। और देखिए, तीसरे नंबर पर अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की सलाहियत। अगर आप दूसरों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाएंगे तो बुलंद ख्वानी आप कैसे करेंगे। उसके बाद देखिए, नंबर चार पे है, सबक को बखूबी सोच समझकर मानी मतलब बयान करने की सलाहियत होना। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो आपका सबक है, जो भी आपका हो, उसको क्या करें, पहले सबसे पहले उसको अच्छे से सोचें और उसको समझें और उसके मानी को समझें, उसके बाद देखिए आप बुलंद ख्वानी करें, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इमला और रस्मुल ख़त में क्या फ़र्क है? तो देखते हैं, देखिए, इमला और रस्मुल ख़त अलग अलग चीज़ें हैं। उर्दू रस्मुल ख़त अलग है और अरबी रस्मुल ख़त अलग है, ये चीज़ तो आप लोग जान गए, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी लफ्ज़ को सही तरह से लिखा जाए, यानी अल्फाज में जो हरूफ आए और जिस तरतीब से लिखे जाएंगे, उन हरूफों को सही जोड़ने को हम इमला कहते हैं। और देखिए, यानी अल्फाज मिलाकर लिखने को इमला कहते हैं। इमला किसको कहते हैं? तो अल्फाज को मिलाकर सही तरीके से लिखने को इमला कहा जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए खातून, तो खातून में देखिए खे प्लस अलिफ प्लस ते प्लस वाव प्लस नू, तो इतना मिलाकर खातून बनता है। उसके बाद देखिए मुमकिन, तो मीम पेस मू प्लस मीम प्लस काफ जेर की और प्लस नून, तो मुमकिन हो जाता है। अब देखते हैं रस्मुल ख़त, इसको देख लेते हैं। उर्दू रस्मुल ख़त में दर्जा ज़ेल हुर्फ की शक्ल इस तरह होती है। देखिए, जैसे कि जीम चे खे सीन शीन द्वात जगह चचा सफ़र ख़तरा ज़ईफ़ शरीफ ऐन गैन फे और काफ, ये हो जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, सवाल है, इल्म सर्फ किसे कहते हैं? तो आइए इसका जवाब जान लेते हैं। तो इल्म सर्फ, जिस इल्म में अल्फाज से बहस की जाती है,
उसे इल्म सर्फ कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जिस इल्म में अल्फाज से बहस की जाती है उसे इल्म सर्फ कहते हैं, और उसकी नकल लिखने में की जाती है। ये अल्फाज गुफ्तगु यानी कि बातचीत में आने में हर अल्फाज के कोई ना कोई मानी होते हैं, जिसके असल मानी बोल चाल या जुमले होते हैं या उनका ताल्लुक कवायद से नहीं होता। कवायद में सिर्फ बामानी अल्फाज से बहस की जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो आज यहीं तक, ये आपका पार्ट फर्स्ट हो जाता है, और जो बचे हुए सवालात हैं वो हम सेकेंड वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है ना, शुक्रिया।